सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के जयपुर स्थित आलिशान मकान पर भी बुलडोजर चल सकता है। दो दिन पहले जेटके ने उसके घर पर नोटिस लगाया था। उस नोटिस का बुधवार तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इसके बाद गुरुवार सुबह जेटके ने लीगल नोटिस जारी कर दिया और आज शाम 5 बजे तक मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं। वह इस कार्यवाही को रोकने के लिए मकान मालिक की तरफ से जेटके ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। जब तक जेडीए को कार्यवाही नहीं करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि 10 जनवरी को हमारी टीम ने भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण के अजमेर रोड रजनी बिहार स्थित मकान के संबंध में नोटिस जारी किया था। जांच में सामने आया था कि करीब 28x46 फीट के प्लॉट पर 0 सेटबैक बना है। जेडीए की ओर से जारी इस प्लॉट के साइन प्लान में कम से कम 15 फीट में फ्रंट और 8.3 फीट में बैक स्पेस छोड़ना जरूरी है। फिलहाल ये नहीं छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि मकान की कीमतें करोड़ों में है।